जंकुक तुम्हें लंबे बाल क्यों पसंद है? नहीं, अब मुझे लंबे बाल नहीं पसंद है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद हो लेकिन उसे ट्राई करते हुए तुम्हें डर लगता है, जैसे कि पेरसिंग या स्काई ड्राइविंग? मैंने ये दोनों ट्राई किए हुए हैं। सॉरी, मुझे ये करवाए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ अभी, और स्काई ड्राइविंग मैंने ब्रॉड में की थी, बहुत मजा आया था। क्या कुछ ऐसा है जो मैं ट्राई नहीं कर सकता? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ट्राई नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास चांस है मैं करता रहूँगा। क्या भुनी हुई पोर्क बिली तुम्हें अभी भी पसंद है? क्या तुम मेरे साथ भुनी हुई पोर्क बिली खाना पसंद करोगे? मैं इसे अच्छे से पका सकती हूँ। कितनी अच्छी तरह से पका सकती है? असल में मैं इसके बाद बारबेक्यू भी खाने के लिए जाने वाला था। जब तुम सो नहीं सकते तब तुम क्या करते हो? स्टेप 1, आप सांस अंदर बाहर करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। स्टेप 2 है, अपने पूरे जिस्म को आराम दो, सर से पांव तक। जब आप अपने पांव की मसाज करें तो दोबारा गर्दन तक जाएं। स्टेप 3 में आप इसे दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर आप सो जाएंगे। अगर आप सोचना शुरू कर देते हैं तब आप सो नहीं सकते। हाँ, मगर आप सोचना बंद नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कुछ और करना चाहिए। वो करो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इस ट्रिक से मैं आसानी से सो जाता हूँ। ये क्या है? वो इतना ज्यादा कैसे लग सकते हैं? तुम एक वक्त में इतनी सारी लुक्स कैसे मैनेज करते हो? क्यूट लगना, सेक्सी लगना, हॉट लगना और ब्यूटीफुल लगना। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। BTS एल्बम में से आपकी पसंदीदा कॉन्सेप्ट फोटो कौन सी है? मेरे दिमाग में जो अभी आई है वो है बॉय विद लव कॉन्सेप्ट फोटो, और वो वाली भी बहुत अच्छी थी, वो वाली जो फायर वाली। मुझे इस तरह के वार्म माहौल की फिजा बहुत ज्यादा पसंद है। पिक्चर लेते वक्त आपका फेवरेट पोज कौन सा है? मैं अपनी उंगलियों के साथ अक्सर वी बनाता हूँ और साथ में अपने लिप्स को पाउट करता हूँ। आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? टाइटैनिक, ला ला लैंड और मुझे सीक्रेट भी बहुत पसंद है। सुबह उठने के बाद आप पहला काम कौन सा करते हैं? मोबाइल चेक करना। सच में पहले यही काम करते हैं। आप अपने मोबाइल को देखते हैं कि क्या टाइम हुआ। आपने हारमोनियम और कोरस के साथ मिलकर लेयर्स को तैयार किया है जैसे कोई पेस्ट्री हो। क्या आपने इसमें से कुछ स्टडी किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने सीखा हो। ये मैंने तब कर लिया था जब मैं छोटा था। मेलोडीज लिखना थोड़ा सिमिलर था और बस ये मैंने कर दिया और ये काम कर गया। वो पहला इंसान कौन है जिसके पास आप एडवाइस के लिए जाते हैं? मैंने कभी किसी से एडवाइस नहीं ली है और ना कभी मेंबर्स ने, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बहुत सादगी से जीता हूँ, तो फिक्र और ख्वाहिशात इसी तरह मेरे अंदर हल हो जाते हैं। हाँ, मैं पूछता हूँ जब मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता, जैसे ये क्या है? जियोन जंगकुक और जेके के दरमियान में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, मैं खुद से अलग नहीं हूँ, मैं ही हूँ। एवरीवन, तो ये वाला लास्ट है। इन दोनों में से कौन सा वाला चूज करूं? मुझे पता है कैसे जगल करना है। अरे यार, ये बॉल क्यों दूर जा रही है? ये काम नहीं कर रहा। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने सॉन्ग 7 के जरिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? जब लोग 7 को सुनेंगे तो मैं इसको यादगार बनाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला सिंगल है और मेरा पहला सोलो डेब्यू। वेल, जब मेरा सॉन्ग 7 रिलीज हुआ तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी खुश मिजाज और जिंदा दिल नहीं था। मुझे पक्का यकीन है कि आर्मी भी इसके साथ साथ ही आगे बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ही बरक्स होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आर्मी से लाइट हार्ट के साथ सुने जिंदा दिल होकर। तो अब मैं अपने सोलो एल्बम के ऊपर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसका पहला ये गाना 7 तो बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ज्यादा सुनेंगे। मैं हमेशा अच्छे गाने बनाना जारी रखूंगा। यही वो मैसेज है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। प्लीज आगे देखिए कि आगे जंकुक की तरफ से क्या आता है। तो जंकुक बाल रिव्यू अब खत्म होता है। असल में ये कुछ देर पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा
एम्बेरस्ड और ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि मैं खुद से ही खुद बोले जा रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत फन था। आर्मी क्वेश्चन भेजने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे ये जान के खुशी है कि लोग मेरे बारे में कितने मतवज्जब हैं और मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। और आप जंगकुक बालरव्यू की फुल वीडियो हैवे गुड नाइट चैनल पर उर्दू डबिंग में देख सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें। और जंगकुक डिजिटल सिंगल सेवन स्पॉटिफाई पर मौजूद है। स्पॉटिफाई है सर। क्वेश्चन है, क्या आप हमारे लिए हमेशा गाना गाएंगे? यस।